Good, sir. Today we are reading equilibrium of farm under imperfect competition market. I think this is not done period so. Sir, but we have done imperfect price determination under imperfect competition. Features of imperfect market. Equilibrium of firm under imperfect competition market. Have you studied it? No, sir. Uh, that is, that I recall that you have done monopolistic competition. Of Edward uh, Chamberlain. No, sir, I have also done imperfect competition of John Robinson. Just a second. This chapter was done. This chapter I'm not particularly, but uh, I you have mentioned John Robinson well, and it imperfect may be competition. Mentioned, but it was not in independent topic okay sir then then it's not done mr john robinson you know the book mr john robinson mm -hmm. uh, book whenever it was published mr john robinson, 1933 book economics of imperfect competition uh, 1933 economics of imperfect competition. economics of imperfect competition published in 1933 same as edward chamberlin 1933 Equilibrium of form is obtained if two conditions are satisfied. Necessary condition MR is equal to MC. Sufficient condition. MC. Got. Must. Cut. MR line. From. Below or from left profit is equal to R minus C. How do you call it this uh, letter? Okay. How do you call it? Okay. Pi. Yeah. Profit R stands for. C S stands Post. for cost. Total cost. Cost. Pi is equal to r minus c is a function of s. Del pi by del X will be zero. This is first condition that is necessary condition for. equilibrium under under imperfect competition and second is ये देखो यहाँ पाई को हटा देंगे तो दोनों सेम हो जाएगा कि नहीं यहाँ पाई को हटा देंगे तो ऐसा ही हो जाएगा ना तो उसको means? अभी तो इफ आई ड्रॉप दिस पाई हियर इट विल लुक लाइक दिस यस राइट इट मींस Del by del x is equation type where we have taken pi for derivative purpose. Now we are taking the whole thing. Here we have taken only pi for differentiation. Here we have taken Mr. only pi for differentiation. But here mm -hmm. we have taken first partial derivative. हाँ समझ गए फर्स्ट पार्सल डेरिवेटिव जीरो सर उसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं राइट right? हाँ डिफरेंशिएशन का तरीका है तो यहाँ पाई का डिफरेंशिएशन किए तो डेल पाई बाय डेल हाँ। एक्स लिखे डेल इसलिए दिए कि मोर देन वो टू मोर देन वन वेरिएबल है यहाँ ये भी वेरिएबल है भी वेरिएबल तीन को नजर आ रहा है नहीं होता, था, नहीं। होता आ, तो डी पाई बाई डी एक्स लिखते सिंगल होता तो तो यहाँ सिंगल है नहीं एक से ज्यादा है तो डी के बजाय डेल लिखाता है तो डेल एक्स इक्वल टू जीरो हाँ। अब हम पूरे इसको फिर डिफ्रंसिएट करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर ये क्या कहलाएगा फर्स्ट ऑर्डर ये कहलाएगा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन डिफ्रेंस ये फर्स्ट कंडीशन होता है सेकंड कंडीशन हाँ. जो है फर्स्ट कंडीशन एम आर इज इक्वल टू एम सी आ रहा था ना हाँ हाँ, हाँ. उसके लिए ये इक्वेशन हुआ और सेकंड में है कि एमसी कर्व कट कर से मार फ्रॉम बिलो उसके बिलो। लिए कर्व होगा इसके लिए डेल पाई डेल एक्स को ही डिफ्रेंसिएट करेंगे तो हमको आना चाहिए ये भी लिखे और भी है फ्रॉम फ्रॉम लेफ्ट तो लेफ्ट जो है, बिलो या लेफ्ट है वो कभी कभी होता है ना ओरिजेंटल लाइन रहेगा तो बिलो हो जाएगा तो लॉ तीन रिटर्न होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न कौन से रिटर्न कॉस्ट में भी होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कॉस्ट लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट तो जब कॉन्स्टेंट कॉस्ट होगा तो ओरिजेंटल तो लाइन हो जाएगा तो वहां नीचे से हाँ. जाएगा लेकिन कर्व होगा तो थोड़ा थो लेफ्ट से जाएगा इसलिए दोनों वर्ड को लिखे तो ये होना चाहिए लेस देन जीरो लेस देन जीरो का ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है आई लेसन जीरो का मतलब हो गया सेकेंड सेकेंड कंडीशन सेकेंड कंडीशन फॉर मैक्सिमा मैक्सिमा का मतलब क्या हो गया मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट लेस देन जीरो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट

सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसियन क्लियर हो गया हाँ yes, सर अब जो है हम लोग यहाँ डेल पाई बाई डेल एक्स इज एक्सपैंडेड मतलब कि डेल पाई बाई डेल एक्स जो है एक्चुअली इसमें दो टर्म है आर है और सी है तो ये हो जाएगा डेल आर बाई डेल एक्स माइनस है सी का हो जाएगा डेल सी बाई डेल एक्स ये इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो इकोनॉमिक्स का नियम होता है कि डेल आर बाई डेल एक्स को कहा जाता है एम आर क्या कहा जाता है एम आर एम आर इसको कहा जाता है एम सी तो मैथमेटिक्स को इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट किए तो ये हो गया इक्वल टू जीरो अभी राइट right साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा एम आर ए छोड़ दो ये राइट साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा एम आर एम आर एस टू एम सी यही हो गया फर्स्ट कंडीशन hmm. यही क्या हो गया फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट नेसेसरी है ये फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन फर्स्ट नेसेसरी सेकेंड ऑर्डर वाले लेंगे सेकेंड ऑर्डर कितना क्या था हमारा सेकेंड ऑर्डर है आपका एमसी एम सी कॉ मस्ट कॉ डेल बाई डेल एक्स है हाँ ब्रैकेट में डेल पाई प्रॉफिट मतलब पाई डेल पाई बाई डेल एक्स लेस देन जीरो है लेस देन जीरो है तो इसको खोलेंगे डेल तो और डेल से गुना हो जाएगा इनटू डेल डेल हो जाएगा डेल स्क्वायर पाई हाँ हो जाएगा ना हाँ और नीचे वाला जो है वो ए लिखाएगा डेल स्क्वायर ऊपर हो जाएगा ऊपर में डेल है दो गो नीचे में डेल एक्स है दो गो तो स्क्वायर उसी के ऊपर होगा डेलेक्स जो है देखने में दो एक एक जात है दोनों दोनों डे, डेलेक्स है डेलेक्स है तो एक वो डेलेक्स लिखाएगा ऊपर स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर में डेल डेल है पाई तो अकेला है तो डेल स्क्वायर हो जाएगा सीधे पाई होगा समझी बात को समझ गए सर क्या समझे ब्रैकेट खोलने पर डेल स्क्वायर जो ऊपर डेल डेल है तो डेल स्क्वायर हो जाएगा और पाई हो जाएगा नीचे में डेल स्क्वायर डेल एक्स है तो मैं दो बार डेल एक्स है तो डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा वो अब इसका इसके सामने वाला टर्म क्या था पहले पहले मतलब उधर इस, इसका जो उस तरफ में कॉपी में कुछ लिखे थे क्या नहीं डेल इसके पहले वाला फर्स्ट कंड नेसेसरी कंडीशन का बोल रहे हैं क्या हाँ फर्स्ट कंडीशन में लिखिए था ना फर्स्ट कंडीशन में क्या था डेल आर बाई डेल एक्स डेल आर बाई डेल एक्स माइनस डेल सी बाई डेल एक्स तो डेल आर बाई डेल एक्स था ना हाँ डेल आर बाई डेल एक्स डेल एक्स है तो दो गो हो जाएगा ना स्क्वायर करेंगे हाँ तो डेल पर स्क्वायर हो जाएगा और डेल एक्स पर स्क्वायर हो जाएगा राइट ऊपर में देखोगे अकेले आर है वहां हाँ यहाँ डेल है वहां यहाँ पाई है वहां आर है इसके बाद डेल स्क्वायर सी बाय डेल एक्स स्क्वायर तो ठीक पहले वाले टर्म के तरह इसमें हो जाएगा डेल स्क्वायर आर क्या हो जाएगा सेकंड ऑर्डर में डेल स्क्वायर आर बाई डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर तो डेल स्क्वायर मैंने दो हो गया डेल डेल एक्स डेल हो जाएगा ना डेल एक्स डेल एक्स हाँ 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 उसको ऊपर में देख रहे दो गो डेल हो गया हाँ हाँ समझ गए ऊपर में एक हो जाएगा डेल फाइव बाई डेल उसमें क्या हो जाएगा डेल डेल आर बाई डेल एक्स अब माइनस देके सर सी का भी तो होगा ना है माइनस देके अब सी का होगा हाँ वन दोनों हम बता रहे हैं ताकि तुमको दिक्कत हाँ। नहीं हो जैसे डेल डेल स्क्वायर सी बाय डेल स्क्वायर डेल स्क्वायर ये क्या हुआ लेस देन जीरो, दे जीरो। इसी हाँ। को इसी को हम क्या लिखेंगे ऐसे डेल एक्स बाई डेल एक्स यहाँ क्या लिखेंगे डेल आर डेल एक्स जैसे ऊपर वाले को किए थे उधर हाँ। तो डेल आर बाई डेलेक्स हो जाएगा अब फिर हाँ। इसमें भी हो जाएगा डेल बाई डेलेक्स अब ब्रैकेट में लाएंगे फर्स्ट ऑर्डर जो उधर है डेल सी बाई डेलेक्स डेल एक्स लेस देन जीरो और इन इकोनॉमिक्स एम आर का मतलब होता है मैथमेटिक्स में डेल आर बाई डे का मतलब होता है मार्जिनल का मतलब सी बाई डेल एक्स तो मार्जिनल जो है इकोनॉमिक्स में बड़ा ही यूज होता है और मार्जिनल हाँ। मैथमेटिक्स में होता है डेरिवेटिव तो ये बात जान लेना है कि डेवेटिव इन मैथ कैलकुलस इज मार्जिनल जिस चीज का भी हो मार्जिनल आइटम वो मार्जिनल हो जाएगा जिस चीज का हो कॉस्ट होगा तो मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा रेवेन्यू है तो मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा प्रॉफिट है तो मार्जिनल प्रॉफिट हो जाएगा डिमांड हाँ। है तो मार्जिनल डिमांड हो जाएगा सप्लाई का मार्जिनल सप्लाई हो जाएगा राइट तो अब, अब हम लोग उसी बात को देखते हुए डेल बाय डेलेक्स रहने देंगे और इसके जगह इकोनॉमिक्स ले आएंगे डेलेक्स डेल बाय एक्स रहने देंगे इसके जगह इकोनॉमिक्स ले आएंगे लेस देन जीरो अब देखो सेकेंड टर्म जो है ये वाला राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस रहेगा कि प्लस हो जाएगा प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो डेल अब अब अब, अब इसको दूर दूर भगा के नहीं लिखेंगे कि तुम समझ गई हो कि ये है डेल डेल एम आर बाई डेल एक्स है और ये भगा के इधर ले गए तो भगाएंगे तो ये तो इस तरह का सिंबल है तो चीरो के पास ही चलावेगा उलट के तो ये क्या हो जाएगा डेल एम सी बाई डेल एक्स अब बीच में आ गया इसका मतलब है तब होगा इट मींस

और फ्रॉम फ्रॉम लेफ्ट लेफ्ट भी रह सकता है और नीचे से भी रह सकता है ओरिजेंटल लाइन रहेगा कॉस्ट का तो बिलो हो जाएगा और अगर ओरिजेंटल नहीं हो कि डिमिनिशिंग हो इनक्रीजिंग हो तो फ्रॉम लेफ्ट हर हाल में डेले मार आ, बाई डेलेक्स मस्ट बी लेस देन डे एलएमसी बाय डे एलएक्स कटने के बाद एमआर कम रहेगा एमसी ज्यादा हो जाएगा तो उसके आगे कभी भी वो प्रोडक्शन नहीं करेगा है ना जो सही प्रोड्यूसर होता है अब हम सही टीचर हैं तो तुम पढ़ने का ख्वाहिश जाहिर की अब हम तो बाहर थे तो हम चकराए कि भाई हम क्या लिख दिए जो कह रहे कि वही लिखा हुआ है उस मोमेंट में मीटिंग में थे तो कुछ नहीं बोले बाहर में आकर देखे हम दस तारीख का है दिन है तो दस, दस तो लिख ही रहे हैं और उस दिन से सात दिन होगा तो पड़ेगा कौन दिन सत्रह तारीख सत्रह तारीख तो भी सभी बाद में ध्यान दिए कोई भी कॉल नहीं किया हम समझ गए कि तुमको कंफ्यूजन हो रहा है तो कहीं और का तो नहीं देखे और कोई नहीं फोन किया तुम की फोन की थी इसका मतलब रीड है डिजायर टू रीड इकोनॉमिक्स बड़ा महत्वपूर्ण चीज है फर्स्ट फर्स्ट टाइम फर्स फैक्टर है डिजायर उसके बाद अलग अलग जो है उस समय हम जिस काम को कर रहे थे उसको पूरा करने में साढ़े आठ हो गया तब हम तुमसे पूछे तुम्हारे डिजायर देखे इंटैक्ट है वो कोका कोला वाला बॉटल करने के खोल दिया तो निकल गया निकल जाता है ना कोका कोला पीती हो कि नहीं हाँ सर पीते है सर पीते तो ढक्कन खोल देने के बाद क्या निकलता है हिला अगर उसको हिला करके खोल दो तो रहेगा भीतर की बाहर आ जाएगा बाहर आ आ जाएगा हाँ वही है वो आत्मा है सोल है वो बाहर निकल जाता है अब पूछोगे क्यों तो कोलकाता में हो ना जितना भी इंडिया में जहां कहीं भी आ, को जलाया जाता है तो लकड़ी पर जलाया जाता है एक और दूसरा आजकल मशीन चला हुआ है मशीन में डाल दीजिए तो पूरा का पूरा साफ हो जाता है लेकिन लकड़ी पर जलाया जाता है तो जलने के बाद भी वो सात मिनिमम सात मन लकड़ी लेगा लेगा जैसा बॉडी रहा लेकिन जो है वो जल जाता है पहले जो बच गया लकड़ी का कोयला उसको वहां पर नदी के किनारे में बोरा में भर भर के जमा करता है फिर ट्रक आता है और ट्रक से पूरा लद के कोलकाता चला जाता है वहां वो क्लीन होता है उसका पाउडर बनता है और वो पाउडर फिर चला जाता है कोका कोला के पास हाँ awesome. सर तो उस जले हुए लकड़ी में और कुछ नहीं हो तो आत्मा तो जरूर होगा ना आदमी का शरीर जल गया आत्मा तो मरता नहीं है वो बेचारा अपना उसी कोयला में बैठा रहा अंत पिसा करके जो आदमी पिया कोका कोला देखोगे थोड़ी देर के बाद एक गैस मुंह से निकलेगा नाक से निकलेगा अगर सही माने में कोका कोला है तब नकली हो तो छोड़ दी कभी निकला है क्या ऐसा महसूस की हो सर निकला तो नहीं है। है? निकला है सर हाँ तो आत्मा निकल गया बेचारा फंसा हुआ था तो हम लोग पी के उसको बाहर निकाले तो ये कहानी आ, कहा जाता था और बहुत इसका प्रॉब्लम हो गया ये हुआ बाद में कंक्लूजन आया कि इट इज अ रॉन्ग एक्सप्लेनेशन ऑफ द थिंग्स क्योंकि आत्मा को कोई देखा नहीं वो गैस निकला है कहीं भी गैस होगा तो निकलेगा बाहर हल्का है वो बाहर निकलेगा हमारे कहने का मतलब है कि एम का खेल इसमें एकदम आसान है लेकिन पढ़ाने वाला अगर ठीक से नहीं पढ़ाया तो देख के टेंशन हो जाएगा कि क्या लिखे क्या है नहीं है आई थिंक इट इज नॉट प्रॉब्लम फॉर यू तो हम लोग कंक्लूजन पर क्या आ गए कि डेल एम आर बाई एक्स हर हाल में छोटा होगा किस से डेल तो तो एम, एम सी बाई डेल एक्स जब भी बोलोगे तो दोनों टर्म बोलना पड़ेगा हाँ, डेल एम सी बाई डेल एक्स अभी लाइन को तुम बोलो कि डेल by 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 always less 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 than 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 del del is is अब एक चीज तुम तो मोनोपोली पढ़े हुई हो पढ़े हुए हो ना हाँ तो एक्चुअली क्या है इम्परफेक्ट competition अगर हो रहा है इम्परफेक्ट competition हो रहा है तो डिमांड कर्व जो है ये इस तरह का होगा डिमांड कर्व का दूसरा नाम ए आर होता है क्या नाम होता है ए आर, आर। मोनोपोली होगा तो इन इलास्टिक होगा ये हो गया इलास्टिक ये है इलास्टिक कर्व अंडर कंपटीशन। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन इलास्टिक डिमांड रहता है क्योंकि है सैंडल खरीदने गई तो बीस तरह का कंपनी है बीस तरह का है कोई मोनोपोली नहीं है एक से एक दुकान है एक से एक वेराइटी है तो उसे चुनना पड़ेगा तो इलास्टिक हो जाएगा दाम जिसका कम तो रहेगा वही बिकेगा सुंदर भी हो और हो तो इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में ये इलास्टिक हो जाएगा आ, ये है कि मोनोपोली है उसका तो मोनोपोली होगा तो उसका प्राइस भागेगा कहां तक एन तक पी एन यहां तक पहुंच सकता है है यही गुड एक्स है, एक्स है आ अगर ये इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन है तो इसका प्राइस पीएन नहीं होगा इसका मैक्सिमम प्राइस होगा पी एन पी एन जीरो हाइएस्ट होगा जहां डिमांड जीरो हो जाएगा इसका पीएन क्या होगा बहुत ऊंचा जाएगा मोनोपोली है हाँ. तो जितना ज्यादा होगा जितना ज्यादा होगा आपको लेगा hmm. तो ये बराबर जानना है कि हम ए आर खींच रहे हैं और डिमांड ये डिमांड लिखेंगे सर ये दिमार्ण हाँ डिमांड है डिमांड डिमांड ए आर को ही डिमांड कहते हैं अच्छा ए आर जो है ना वो डिमांड भी, भी, भी होता है प्राइस भी होता है डिमांड भी होता है प्राइस भी होता है जो प्राइस होगा वही डिमांड होगा प्राइस इज ए फंक्शन ऑफ डिमांड डिमांड इज ए yeah. प्राइस तो संबंध रहता है तो yeah. शेप वही हो जाएगा जो डिमांड का शेप है वही ए आर का शेप है वही प्राइस का क्वेश्चन है कि शेप जो होगा <coughs> अंडर इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन जब भी हम लेंगे तो इलास्टिक होगा <coughs> शेप ऑफ ए आर विल बी इलास्टिक इलास्टिक कब होगा जब प्राइस का टॉप बहुत ज्यादा नहीं जाएगा प्राइस कितना भी बढ़ेगा तो एक्स वाई एक्स के मिडिल में जाकर रुक जाएगा वहीं पर जीरो हो जाएगा और मोनोपोली में सिंगल फर्म है तो प्राइस में भी एट पी एन बहुत हाई पर जाएगा क्लियर है हम लोग किसको चुनेंगे किसको चुनेंगे मतलब परफेक्ट कंपटीशन पढ़ रहे हैं अब जो हम कर्व खींचेंगे तो ए आर किस तरह का खींचेंगे पहला कि दूसरा दूसरा वाला फिगर नंबर टू किसको चुनेंगे फिगर नंबर टू प्राइस हो गया यहाँ ई प्राइस हो गया एक्सेस तो ये कभी भी भूल इसको नहीं करना है जिसको इस तरह से नहीं बताया गया उसके दिमाग में रहेगा कि ऊपर से नीचे गिरती है अब कहा से कौन गिरती है ये मोनोपोली होगा तो एकदम टॉप से गिरेगा इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन होगा तो कर्व के बीच से गिरेगा स्लोप इसका एकदम धालुआ होगा कम दाम कम दाम रहेगा क्योंकि बहुत सारा कोलगेट uh, बेचने वाला है बहुत सारा शू बेचने वाला है बहुत सारा कैमरा बेचने वाला है कंपनी अलग अलग है तो इसलिए कंपटीशन है वहां भले ही इम्परफेक्ट है इम्परफेक्ट इसलिए है कि वेरी वेरी लार्ज नंबर नहीं होगा काउंटेबल होगा फिर भी अब हवाई जहाज है तो मुश्किल पूरे वर्ल्ड में दो चार गो कंपनी पहले तो दो ही गो कंपनी था अमेरिका में अब लेकिन जर्मनी में भी है फ्रांस में भी ये सब जगह कर रहा है हम इंडिया में भी बन रहा है तो इसलिए ये चीज दूसरी बात जो है कॉस्ट कर्व अलग से तुमको नहीं पढ़ाए अभी लेकिन पढ़ाएंगे ही कॉस्ट कर्व जब भी होता है तो कोई भी बाजार होगा तो मार्जिनल कॉस्ट जो है आजकल ओलीवो पोली में देखिए उसको क्रिटिसाइज करता है हाँ लेकिन ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स में एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट किस तरह का होता है यूसेट यू सेफ्ट क्लियर है तीसरा महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो एवरेज कॉस्ट होता है इसका बॉटम खोजना है बॉटम और बॉटम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी बॉटम से पास करेगा मार्जिनल कॉस्ट अलग अलग में दोनों सेम लगता है अलग अलग में दोनों देखने में क्या लगता है सेम रहता है कहीं तो भी पार्टी उटी में जाते हैं तो चुपचाप बैठे रहते हैं कुछ नहीं बोलते हैं अब पूरा बोलते रहेगा इकोनॉमिक्स बोलेगा कुछ बोलेगा तो बोलना नहीं हर जगह बोलना नहीं है हमको बोलने का जगह वहीं बोलेंगे है ना बोलने के लिए जानती हो क्या चाहिए बोलने के लिए आपको बुद्धि चाहिए रहने के लिए क्या चाहिए आपको विवेक भी आपको क्रोधित तिलाएगा चुप रहिए तो इस पर आपका जीवन आगे की ओर बहुत तेजी से बढ़ेगा और अभी जो है मॉडर्न एज है अब मॉडर्न एज क्या है एज ऑफ रील्स मेकिंग पता नहीं तुम कभी देखती हो कि नहीं देखती हो फेसबुक पर देखते हैं तो अब जिस किसी का भी देखते कॉमन लगता है वही एक्शन वही चीज वही तो अब हम लोग फाइनल पहुंच सब चित गए सब चित्र जान गई अब देखो अब हम फाइनल आ गए कि ये आपका जो है ये ऊपर से नहीं आएगा बराबर बी, बीच में रखेंगे ए आर बीच रखेंगे और ठीक इसका मिडिल पॉइंट जो होगा मिडिल पॉइंट से पास करेगा एम आर एआर का लकीर जो खींचा जाएगा उधर ए आर का लकीर खींचे थे नहीं पाला लकीर क्या खींचे थे एनसी और ए सी का वो स्टार्टिंग वाला बोल रहे हैं स्टार्टिंग का तो ए आर इज इक्वल टू डी आर लिखे हैं स्टार्टिंग में पहले आप ए आर कब बनाए थे बनाए थे कैसा बनाए थे जैसा इसमें बना हुआ है मोनो 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 किस क्या है मोनोपोलिस्टिक कौन इम्परफेक्ट इम्परफेक्ट का बोल रहे हैं इम्परफेक्ट का आ, बोल रहे हैं परफेक्ट में परफेक्ट में दूसरा मोनोपोली में मोनोपोली में ऊपर से लाइन आया था तो दोनों में डिफरेंस हो गया ना हाँ डिफरेंस हो गया अब अब कमीशन में लड़का देता है इसने खींच दिया या वो वाला खींच दिया वो मोनोपोली वाला दिमाग में घुस रहा है वही खींच दिया ये क्या चीज है लेकिन नहीं है हाँ। मोनोपोली का एआर और एमआर जो है काफी ऊंचाई से उतरता है वाई एक्सिस पर हाँ राइट बात मेरा समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो हाँ सर समझ रहे सर मैं थक जाती हो ना अभी तब तो तुम्हारा ठीक नहीं है लगता नहीं सर ठीक है हैं ठीक है थोड़ा सा वेदर के कारण हो रहा है सर क्या वेदर चेंज हो रहा ना सर उसके कारण सर, वेदर रोक दें नहीं सर आपके सुन वेदर ठीक है अगर <laughs> कनाडा में छ महीना एक ही वेदर रहता है छ महीना पूरा बर्फ का एक वेदर हम लोग तो हम लोग का तो अच्छा है ना कि बदल गया तो थोड़ा थोड़ा धोखा लग रहा है कि धीरे धीरे ए बंद हो जाएगा और रजाई आ जाएगा तो ये <laughs> हो गया ए आर एम आर समझ गई हाँ और अब जो है आ, ये ये एक कर्व खींचे देखो गौर से यहाँ बॉटम आ रहा है हाँ। है और हम तुमको बताए हैं कि एम सी जो है किसको नीचे से काटेगा एसी हो। को एम आर को बताएं एम आर के नीचे से जाएगा हाँ राइट एमसी पहले एम आर को काटेगा नीचे से या बाएं से उसमें हर हालत में एसी के बॉटम से गुजरना होगा उसको दो जगह काटना है तो आ, आ, इस पर ध्यान रखोगे कि हम जो खींच रहे हैं सो। ये जो है ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे, आएगा, ऐसे चला जाएगा तो ईएमसी हो गया अब गौर से देखो यहाँ बॉटम में कटा कि नहीं ये थोड़ा सा लेफ्ट लग रहा है कि नहीं आ, लेफ्ट से ज्यादातर लेफ्ट से ही कटता है एक जगह के बोले जो बॉटम भी हो सकता है कॉस्ट में तो अब हम लोगों के पास जो यहाँ मटेरियल मिला इससे हम लोग क्या पा रहे हैं कि यही इक्विलिब्रियम हो गया जहाँ की एमआर इज इक्वल टू क्या हो गया एम सी ये आप दूसरा क्या हो गया कि एम सी कट एम एम आर कर्म देम आर एम आर कर्व नहीं लाइन है लाइन खींचे हैं एम आर लाइन फ्रॉम बिलो फ्रॉम बिलो करो या लेफ्ट करो जो भी बिलो से या नीचे लेफ्ट से यही हो गया अब गौर से देखो जीरो यहां, कटिंग वहां से नीचे ले आओ और इसी कटिंग से ऊपर ले जाओ और इसी कटिंग को बाए ले जाओ तो यही प्राइस हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस ये इक्विलिब्रियम आउटपुट हो गया ये इक्विलिब्रियम ए आर हो गया जो कि प्राइस के बराबर होता है और ये एफ पॉइंट जो है कंडीशन हो गया एम आर एम सी इक्वल है और एमसी कट कर से मार लाइन फ्रॉम बिलो है ना और left. तो ये हमारा हो गया अब यही हमारा जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया है यहाँ गोल कर देना है कि एकदम साफ लगे कि हमारा ग्रीन वाला भी उसी से उतर रहा है लाल वाला जा रहा है और इसको भी गोल करना है जो कि हमारा लोएस्ट पॉइंट है राइट right. और उसे तुम तो ब्रिलियंट हो एक बार तुमको खाली समझ में कर दे अब इसको कहा जाएगा आउटपुट आउटपुट हो गया ओ एम इसको कहा जाएगा इक्विलिब्रियम इस प्राइस इक्वलिबिलियम प्राइस प्राइस अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन आइए हो गया तुमको इक्वलिबिलियम आउटपुट ये क्या हो गया इक्विलिब्रियम आउट आउटपुट तो एक्चुअली वाई एक्सिस क्या हो गया प्राइस क्या हो गया वाई एक्सिस क्या हो गया प्राइस प्राइस एक्स एक्सिस क्या हो गया आउटपुट हो गया आउटपुट इस साठ फुट पे ऐसा हटा लो लास्ट में वो वा, एक्स फॉर वाइट फुट पे हो गया अ, अब जो है इस ई जो लाइन है तुम्हारा ई लाइन है ना ये एफ यहां है इसका नाम मान हम लोग देते हैं जी आ, इसको लेफ्ट मिला देते हैं एच तो यही घर कहलाएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट प्रॉफिट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट super normal Perfect. profit super super normal profit क्लियर है Sir. अब कंक्लूजन क्या निकला कंक्लूजन ये निकला एम आर इज इक्वल शुड प्राइस सर पहले तो कंडीशन बता दिए हाँ वो बता रहे इक्विलिब्रियम so, प्राइस कितना हो गया ओपी ओपी इक्विलिब्रियम आउटपुट कितना हो गया ओ OM. MR is equal to MC. कहां पर है At F. MC curve cuts MR line at F. और क्या बात लिखोगी और ये भी तो सर लिख सकते है ना सुपरनावल प्रॉफिट हुआ साइक्लिकल पी, पीई पी लो इसे पीई पी जी पी एच, पी एच। अच्छा इसमें क्या करना है इस एफ को हम मिटा दो और इसका नाम रख दो एफ और इसका नाम रख दो जी ठीक है जी का कहीं प्रयोग नहीं धन्य है नहीं ये कट्स एफ कट्स देखिए है एफ जगह उसको जी करना है इस सुपर नॉर्मल जी तो क्या हो जाएगा पी ई एफ एफ जी एफ एफ और एच पी ई एफ एच एफ एच इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अंडर इम्पफिक कंपटीशन क्वल टू सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अंडर इमेट कंपटीशन नॉर्मल प्रॉफिट और दूसरा क्या बात है घनजन ती हो मैक्सिमम प्रॉफिट है मैक्सिमा है ना हाँ मैक्सिमम ये बहुत महत्वपूर्ण बात है मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है पी ई एफ एच एच और इसका हेडिंग हो जाएगा इक्विलिब्रियम ऑफ फार्म अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन ये हम लोग का कंक्लूजन हो गया क्लियर है सर दैट्स ऑल थैंक यू सर